हेलो एवरीवन, आज मैं सरसों के साग को कैसे बनाती हूँ वो बताऊँगी। यहाँ पर मैंने सूखा साग लिया है सरसों का। जब ये सीज़न में मिलता है तो मैं इसे काट के बारीक बारीक और इसे मैं सुखा लेती हूँ, और बिना सीजन का भी मैं इसे खा सकती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, दो टमाटर भी लिया है, और मिर्ची और लहसुन लिया है। अब मैं प्याज को पहले सबसे पहले बारीक बारीक काटूंगी दोनों प्याज को। उसके बाद मैं यहाँ सरसों की तेल कढ़ाई में डाल दी हूँ। 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। अब इसे मैं मिर्ची और प्याज के साथ भूनूंगी। ब्राउन होने तक मैं प्याज को भूनूंगी। ब्राउन देखिए हो चुका है। अब मैं ये दोनों टमाटर को काट ली थी उसे डाल ली हूँ, और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा 3 चम्मच लिया है, और दोनों को टमाटर और गेहूँ का आटा दोनों को मैं यहाँ पर भूनूँगी अच्छी तरह से। अब आटा भी बिल्कुल पक चुका है और टमाटर भी गल गया है। अब मैं यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। एक ही बार डालने से आटा का गुठली बन सकता है, इसलिए धीरे धीरे करके मैंने वहाँ 2 गिलास पानी डाला है। अब यहाँ देखिए मैंने कच्चा लहसुन को कूट लिया है। अब यहाँ पर मैं 3 चम्मच सरसों का सूखा सरसों का साग को डाल रही हूँ। ये सूखा हुआ सरसों का साग बहुत बारीक रहता है, तो इसे पकने में लेट नहीं लगता है। बस एक उबाल आ जाता है तो ये पक जाता है। इसे एक उबाल आने के लिए मैं ढकूंगी, इसे ढक्कन लगा के 1 मिनट में ये पक जाएगा। उसके बाद मैं कूटा हुआ लहसुन को इसमें डालूंगी। देखिए ये कूटा हुआ लहसुन है, इसको मैं अब डाल के एक उबाल आने दूंगी। उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। देखिए एक उबाल आ चुका है, अब मैं बंद करूंगी इसे। ये बहुत खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल सादा, मसाला भी बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। जब दाल खाने का मन नहीं करता है तो इसे मैं बना के खाती हूँ। देखने के लिए थैंक यू।